हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। विश्व तंबाकू दिवस पर एम्स के डॉक्टर अरविंदर सिंह मल्ली ने देश के युवाओं और नशे को छोड़ने के लिए आह्वान किया। जिस तरह हमारे देश में नशीली पदार्थ का सेवन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और हमारे देश में युवा नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। नशे की चपेट में युवा और युवतियों भी शामिल हैं, जो कि देश के लिए ये अच्छा संदेश नहीं है और बहुत गंभीर रूप है। बीमारियों का स्तर बढ़ रहा है, युवा अपने आप को मॉडल दिखाने के चक्कर में नशे को प्रमोट कर रहे हैं। अनदेखी का परिणाम यह है कि आज देश में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि युवा पीढ़ी नशे के जाल में जकड़ती जा रही है। देश के नशीले पदार्थों में उत्पादन से लेकर तस्करी बढ़ रही है। कई युवा इस नशे के शिकार हो रहे हैं और इसके मुख्य दोषी माता पिता हैं, जो अपने बच्चों के कृत्यों की अनदेखी करते हैं। बच्चों को पैसा देकर अच्छे कॉलेज संस्थानों में भर्ती करवा देते हैं और अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, जो ये होना नहीं चाहिए। सुने बाइट। मेरा नाम डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ली है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली में। टोबैको के लिए आप लोग अवेयरनेस काफी कर रहे हैं, क्या है पूरा सर? देखो कि 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है और आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए और सभी श्रोताओं की जानकारी के लिए कि 13 लाख लोग एक साल में डेथ होती है सिर्फ इंडिया में और 2000 लोग एक दिन में हर रोज़ उनकी मौत हो रही है सिर्फ और सिर्फ तंबाकू खाने से। तंबाकू के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी बीड़ी होती है, सिगरेट होती है, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा, जिस तरह का भी आजकल तो ई सिगरेट्स आ गई हैं, वो भी आप कहोगे तो वो भी बहुत हानिकारक है। और जितने भी हम पहले शुरू ज़माने में हम हुक्का पीते थे, वो भी उसमें तंबाकू का सेवन होता है। और जितनी भी जगह पे अभी कह रहे हैं हर्बल हुक्का, इवन वो भी डेंजरस है। तो आने वाले टाइम में मैं बताना चाह रहा हूँ कि हेल्थ केयर का अगर हमने क्यों हम जोर दे रहे हैं इसके ऊपर कि नो तंबाकू डे पे क्यों जोर देते हैं, इसलिए देते हैं कि ये प्रिवेंटेबल है, हम इसको बचा कर सकते हैं। हम 13 लाख लोग साल में बचा सकते हैं, 2000 लोग दिन में बचा सकते हैं जो डेथ जिसकी हो रही हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि एम्स को हमने जब से 14 दिसंबर को हमने एक सर्कुलर जारी किया था, हमारे एम्स के डायरेक्टर सर एम सिनेमा सर ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें टोबैको फ्री एम्स हम कर चुके हैं। और जो भी कोटपा एक्ट होता है, कोटपा एक्ट 2003 में आया था कि 100 मीटर के रेडियस में कोई भी जहाँ खाता पकड़ा गया, जहाँ कोई वेंडर कोई बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसको सजा दी जाती है। हमने जो साउथ के DCP हैं उनको भी मिलके सबको उनको एक चलान जारी किया था। इधर चलान कॉपी MS ऑफिस में भी हमने रखी हुई थी कि वो आप जो भी अगर होगा उसको नुकसान होगा उसका चलान भरा जाएगा और सजा भी होगी जो भी पकड़ा जाता है। इवन कोई अपना कर्मचारी भी अगर पकड़ा जाता है उसमें निर्धारित किया गया था कि अगर कर्मचारी कोई खाता पकड़ा गया, सेवन करता पकड़ा गया तो उसको भी सजा मिल सकती है। तो ये हमने एक तंबाकू फ्री जोन जो है ना एम्स का वो कर दिया क्रिएट। साउथ दिल्ली या दिल्ली के पॉश इलाके में काफ़ी बार रेस्टोरेंट बुक हो गए, वहाँ भी काफ़ी हुक्का हुक्का चलता है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? हाँ, कोटपा एक्ट में जो 2003 में आया था उसमें ये भी बताया गया है कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एम्स हो गया, सर्जन हो गया, RML हो गया, IIT हो गया, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उसके आसपास उसके अंदर अगर जो भी खाता पकड़ा गया तो वो सजा का हकदार है। और इवन जो आप साउथ दिल्ली की बात कर रहे हो उधर भी काफ़ी सेवन किया जा रहा है और जो बढ़ रहे हैं उसके आसपास भी कहीं उनका बेचना वो बहुत खतरे से खाली नहीं है, वो उसको दिल्ली गवर्नमेंट पकड़ के लेके जा सकती है किसी टाइम पे भी अकॉर्डिंग टू कोर्ट पैक्ट।